आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूँ पेटीएम ऐप के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाइस, अगर आप पेटीएम ऐप से अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं, गाइस आपने किससे पैसे लिए हैं, आपने किससे पैसे भेजे हैं, आप उस ट्रांजेक्शन को डिलीट करना चाहते हैं, आप उसे रिमूव करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से रिमूव गाइस यहाँ पे कर पाएंगे, अभी मैं आपको रिमूव करके दिखाने वाला हूँ। आप बहुत आसानी से गाइस यहाँ पे अपने पेटीएम का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर पाएंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो मैं अभी आपको सारे स्टेप्स बताऊँगा, जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत आसानी से अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जिसमें कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आप बहुत आसानी से अपने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पे देखिए, मैंने जो पेटीएम ऐप ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे गाइस यहाँ पे आपको बैलेंस इन हिस्ट्री वाला ऑप्शन दिख रहा है। सिंपल गाइस यहाँ पे आप बैलेंस इन हिस्ट्री वाले ऑप्शन में आएंगे, गाइस आपने यहाँ पे किन से पैसे लिए हैं, आपने किसे पैसे भेजे हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो गाइस अब आप इसी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को करना चाहते हैं डिलीट, तो कैसे कर पाएंगे, उसके लिए गाइस आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर में प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा। सिंपल गाइस आप इसमें जाएंगे, इसमें जाने के बाद गाइस आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे एक गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन। सिंपल यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन में आएंगे। हेल्प एंड सपोर्ट में आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे गाइस यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इस प्रकार से गाइस आप यहाँ पे कौन सा हेल्प एंड सपोर्ट लेना चाहते हैं, मैं गाइस यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन में गाइस आप यहाँ पे जाएंगे। प्रोफाइल वाले ऑप्शन में आने के बाद आपके सामने गाइस यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। जैसे गाइस यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आई वांट टू डिलीट माय अकाउंट, तो सिंपल गाइस आप यहाँ पे इस पे एंटर करेंगे आई वांट टू डिलीट माय अकाउंट। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ चुका है। गाइस अगर आपको अपने पेटीएम का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को डिलीट करना है तो ऐसे गाइस यहाँ पे डिलीट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आता, तो आपको एक काम करना होगा कि गाइस आपको अपना पेटीएम अकाउंट डिलीट करना होगा। उसके बाद गाइस आप जो है यहाँ पे सेम नंबर से आप एक नया अकाउंट गाइस यहाँ पे पेटीएम में कर लें क्रिएट, जिससे क्या होगा कि आपका जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वो हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से गाइस आप जो है अपना पेटीएम का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपल गाइस यहाँ पे क्लोज अकाउंट वाले ऑप्शन में एंटर करेंगे, आप अपने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।